नमस्कार दोस्तों, भारतीय रेल 10 मई से कई ट्रेनों के टाइम टेबल में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। अगर आप भी ट्रेनों में सफर करने जा रहे हैं तो ट्रेनों में सफर करने से पहले इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लें। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर भारतीय रेल किन किन ट्रेनों के टाइम टेबल में बदलाव किया है, उन ट्रेनों के नाम नंबर सब कुछ आज के इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, मेरा आपसे आग्रह है, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। ट्रेन संख्या 15079 पाटलिपुत्र गोरखपुर एक्सप्रेस, ये ट्रेन 10 मई से संशोधित नियमानुसार 14:50 पे पाटलिपुत्र से प्रस्थान कर 14:56 पे दीघा ब्रिज हॉल्ट पहुंचेगी। वहीं पर ट्रेन संख्या 13246 राजेंद्र नगर टर्मिनल न्यू जलपाईगुड़ी कामाख्या कैपिटल एक्सप्रेस, ये ट्रेन 10 मई से राजेंद्र नगर से खुलने वाली गाड़ी संख्या 13248 राजेंद्र नगर कामाख्या एक्सप्रेस तथा राजेंद्र नगर से 12 मई से खुलने वाली ट्रेन संशोधित नियमानुसार 23:15 पे राजेंद्र नगर से प्रस्थान कर 23:26 पे पटना साहिब और बखियातपुर 12:23 पे बाद स्टेशनों पर रुकते हुए आगे के लिए प्रस्थान करेगी। उसी तरह ट्रेन संख्या 03611 पटना सासाराम पैसेंजर स्पेशल, ये ट्रेन 10 मई से संशोधित नियमानुसार 15:10 पे पटना जंक्शन से प्रस्थान कर 15:15 पे सचिवालय हॉल्ट और 15:50 पे सदी सोरपुर स्टेशनों पर रुकेगी। इसी तरह ट्रेन संख्या 15527 जयनगर पटना एक्सप्रेस, ये ट्रेन 2 मई से संशोधित नियमानुसार 3:15 पे जयनगर से प्रस्थान कर 3:27 पे खजौली तथा 3:38 पे राजनगर स्टेशनों पर रुकते हुए आगे के लिए प्रस्थान करेगी। मधुबनी पटना के बीच कोई बदलाव नहीं किया गया है। गाड़ी संख्या 13234 दानापुर राजगीर एक्सप्रेस, ये ट्रेन 10 मई से दानापुर से 7:00 के बदले 6:50 पे राजगीर के लिए प्रस्थान करेगी। इसी तरह ट्रेन संख्या 13226 दानापुर जयनगर एक्सप्रेस दानापुर से 6:50 के बदले 7:00 जयनगर के लिए प्रस्थान करेगी। हावड़ा और जयनगर के बीच चल रही गाड़ी संख्या 13031 हावड़ा जयनगर हावड़ा एक्सप्रेस का परिचालन सप्ताह में एक दिन के बजाय प्रतिदिन चलाई जाएंगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी अपडेट के बारे में जानकारी देनी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें। फिर मिलते एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।